तो हेलो गाइस, मेरा नाम है दीप और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीप रेडिंग ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग है R15 BT BS6 का माइलेज टेस्ट करने जा रहा हूँ। तो इसका माइलेज कितना देगा, तो पहले बाइक में बहुत पेट्रोल बचा है तो उसको पहले ख़त्म करते हैं। और दो दिन पहले मैंने अपना ड्यूक 250 का माइलेज टेस्ट किया, और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दे दिया मैंने, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। तो पहले बाइक का पेट्रोल ख़त्म करते हैं, उसके बाद माइलेज टेस्ट करते हैं। जो लगता है बाइक का अभी पेट्रोल ख़त्म हो गया है, बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया अभी। तो बाइक में सेल्फ में भी स्टार्ट नहीं हो रहे हैं अभी, शायद पूरा ख़त्म हो गया। तो देखता हूँ फिर से सेल्फ दे के स्टार्ट होता है क्या। ये गया गया गया, पेट्रोल ख़त्म ख़त्म ख़त्म। तो अभी बाइक हो चुका है, फिर से स्टार्ट हो गया। तो अभी देखते हैं और कितना दूर जा सकते हैं, मुझे नहीं लगता और ज़्यादा दूर जाएगा। तो देखते हैं कितना दूर और जाता है, उसके बाद माइलेज टेस्ट करते हैं। तो बाइक फिर से बंद हो गया, तो अभी आवर फिर से स्टार्ट भी हो गया, मतलब पेट्रोल एक थोड़ा बचा है तो उससे स्टार्ट हो जाता है और फिर बंद हो जाते हैं। तो अभी हो चुका है बाइक का फ्यूल पूरा ख़त्म, तो अभी सेल्फ देने से भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को दिखा तो सेल्फ में भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, पूरा ख़त्म हो गया अभी फाइनली। तो अभी फ्यूल हो चुका है पूरा ख़त्म, तो अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो अभी पेट्रोल डाल के माइलेज टेस्ट करते हैं। तो ये रहा 1 लीटर पेट्रोल, तो अभी इसमें डालते हैं, देखते हूँ उसके बाद कितना जाएगा आज। अभी ट्रिप 1 और ट्रिप 2 को हम लोग ज़ीरो कर देते हैं। तो ये रहा ट्रिप 2, तो इसको ज़ीरो कर दिया। तो अभी ट्रिप 1 को भी ज़ीरो कर देता हूँ, तो अभी ट्रिप 1 को भी ज़ीरो कर दिया। तो अभी प्रॉपरली राइड करते हैं। इस बाइक का जो हैंडलिंग है ना, वो बहुत ही मतलब अच्छा है। आप लोग टर्न वगैरह बहुत ही अच्छे से ले सकते हैं और बाइक स्मूथ भी है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा R15 BT का। और इसका जो पावर है वो भी बहुत ही अच्छा है। तो बाइक अभी चल चुका है 2.6 किलोमीटर। तो मैं वीडियो कट करके दिखाता हूँ, तो इतनी लंबी वीडियो में नहीं दिखाना चाहता, तो ठीक है। तो अभी तक बाइक चल चुका है 15.8 किलोमीटर। तो अभी हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ बारिश हो रहा है, ठीक है। तो अभी डिसाइड किया है पहले जहाँ से आया उस तरफ चलते हैं, तो इस तरफ बारिश है। मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ तो अच्छा नहीं आएगा, अगर मोबाइल के कैमरा पे अगर बारिश गिर गया तो पानी की वजह से अच्छा नहीं दिखेगा। तो उस तरफ चलते हैं फिर से। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि RC 200 का माइलेज टेस्ट करूँगा, तो उससे पहले R15 का ही डाल दिया। मतलब RC 200 जो मेरा दोस्त है वो घूमने गया था, तो उसके वजह से मैं उसका बाइक का मतलब माइलेज टेस्ट नहीं कर पाया। तो 2 दिन में उसका माइलेज टेस्ट मैं करके मैं डाल दूँगा यूट्यूब पे, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। अगर आप लोग कोई मतलब मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, अगर अच्छा लगा तो। इतना मेहनत करता हूँ सब्सक्राइब करके, सपोर्ट करो भाई को। तो अभी तक बाइक चल चुका है 22.7 किलोमीटर। तो अभी भी मतलब शायद
और भी कितना किलोमीटर जाना पड़ेगा मुझे भी नहीं पता। तो अभी बाइक को 100 के स्पीड में चलते हैं, देखता हूँ 100 की स्पीड में। आप लोगों को बाइक में थोड़ा भी वाइब्रेशन फील नहीं होगा, मतलब कुछ हल्का फुल्का तो वाइब्रेशन होता ही है, मतलब इतना भी नहीं, मतलब बाइक बहुत ही स्मूथ है। इतने स्पीड में भी बाइक में कोई वाइब्रेशन नहीं फील होता, बहुत ही स्मूथ है R15 जो BTO। और इस बाइक का थर्ड सर्विसिंग हो चुका है तो इसलिए ये और भी स्मूथ हो गया अभी। तो बाइक अभी तक चल चुका है 24.3 किलोमीटर, तो अभी कितना जाना पड़ेगा और पता नहीं यार। तो अभी तक बाइक चल चुकी है 33.5 किलोमीटर, तो अभी इसको 100 की स्पीड पे भागते है, तो देखता हूँ कितना दूर तक लेके जा सकता हूँ इसको। तो अभी तक बाइक चल चुके हैं 42.1 किलोमीटर और ये है हमारा ख्वाई नदी का ब्रिज। तो अभी तक बाइक चल चुके हैं 44 किलोमीटर, तो अभी लास्ट में मतलब एंड में वीडियो को लेके चलता हूँ। इतनी बड़ी वीडियो मतलब आप लोग बोरिंग हो जाओगे, तो डायरेक्ट एंड पे लेके चलता हूँ। तो अभी तक बाइक चल चुके हैं 51 किलोमीटर और अभी बाइक हो चुकी है ऑफ, तो अभी शायद स्टार्ट होगा भी या नहीं, बाइक ऑफ हो चुकी है पूरा। तो बाइक को फिर से स्टार्ट करके देखते हैं। तो अभी फिर से स्टार्ट हो गया, तो अभी और देखते हैं कितने दूर जा सकते हैं। तो बाइक अभी तक चल चुकी है 52.2 किलोमीटर, तो बाइक बार बार बंद हो रहा है, तो अभी देखते हैं और कितना, मुझे नहीं लगता और ज़्यादा दूर जाएगा, अभी शायद ख़त्म।
तो अभी बाइक का फ्यूल पूरा ख़त्म हो गया, तो बाइक भी ऑफ हो गया। तो अभी देखता हूँ सेल्फ में स्टार्ट होता है या नहीं होता। तो बाइक पूरा ऑफ हो गया, फ्यूल भी पूरा ख़त्म हो गया। तो अभी देखते हैं बाइक कितना माइलेज दिया है टोटल। तो रिजल्ट आप लोगों के सामने 52.5 किलोमीटर। इतने अच्छे लुक है बाइक का, इतना अच्छा पावर है, मतलब इतना अच्छा माइलेज भी है। मतलब अगर कोई लेना चाहते हैं तो बहुत ही मतलब ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा बाइक है। तो नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा RC 200 BS6 का माइलेज टेस्ट करने के लिए। और मेरा बाइक भी गंदा हो चुका है, कल उसको लेके वॉशिंग करने के लिए जाऊंगा, वॉश भी करूंगा, करना है बाइक का। उस टॉपिक पे भी एक वीडियो बना दूंगा मैं। तो आज के लिए ही ख़त्म करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया तो कर दो।